नाते नहलाया फर्नीचर वाला की एक टिंग से इम्प्रेस कबीर बेदी, कहा मुझे उन पर गर्व है। पूजा बेदी की बेटी और कबीर बेदी की नातिन अलाया फर्नीचर वाला ने हाल ही में सैफ अली खान की फिल्म जवानी जानीमन से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। इस फिल्म में अलाया ने सैफ की बेटी का किरदार निभाया है, जो 21 साल बाद अपने अय्याश पिता को पहली बार मिलती है। क्या बोले नाना कबीर बेदी। जहां हर तरफ अलाया के काम की खूब तारीफ हो रही है, वहीं अब उनके नाना कबीर बेदी ने भी अपनी राय इस बारे में दे दी है। अपनी शॉर्ट फिल्म नवाब की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे कबीर बेदी ने अलाया के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं अलाया की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत गर्वित हुआ हूं। उन्होंने सैफ और तबू के सामने इतना दमदार काम करके दिखाया है। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत और तैयारी की थी। उन्हें जितने भी बढ़िया रिव्यू मिल रहे हैं, वे उन सभी के लायक है। इस मौके पर कबीर बेदी की पत्नी परवीन दोसांझ भी मौजूद थी। उन्होंने अलाया की तारीफ करते हुए कहा, हमें अलाया पर बहुत गर्व है। उन्होंने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। दुनिया भर में छाए हैं कबीर बेदी। बता दें कि कबीर बेदी ने भारत के साथ साथ अमेरिका, इटली और यूरोप के अन्य देशों की फिल्म, टेलीविजन और थिएटर इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। उन्हें बॉलीवुड फिल्म ताजमहल द इटर्नल लव स्टोरी में शाहजहां के रोल से पहचान मिली थी। इसके साथ ही 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग में उन्होंने विलेन का किरदार निभाया था, जिसे खूब सराहा गया था। उन्हें पिछली बार 2018 में आई फिल्म साहेब, बीवी और गैंगस्टर में देखा गया था। वहीं दुनिया भर में कबीर बेदी को इटालियन मिनी सीरीज संदुकान और 1983 में आई जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी के लिए जाना जाता है। अलाया की फिल्म जवानी जानीमन की बात करें तो इसमें सैफ अली खान एक ऐसे नोवा बने हैं। फिल्म में उन्हें 21 साल बाद पता चलता है कि उनकी एक बेटी है। वहीं तबू अलाया की मां के किरदार में हैं। इस फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं और सभी की परफॉर्मेंस की सराहना की गई है। जवानी जानीमन 31 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी।